मंत्री परिषद के साथीगण, मुख्य सचेतक मैं जोशी जी और मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, उपस्थित विधायकगण, श्रीमती मनीष गुर्जर मेयर जयपुर, श्रीमती सौम्या गुर्जर मेयर जयपुर, इसी के माध्यम से प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, मेयर जयपुर रेटिस श्रीमती सौम्या गुर्जर मेयर जयपुर रेटर, इसी के माध्यम से जुड़े हुए प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, सांसदगण हैं और पंचायत प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और पूरे प्रदेशवासी, चीफ सेक्रेटरी नीरज आर्य जी और तमाम उपस्थित साथियों, प्रेस के साथियों, मुझे खुशी है कि आज नए चरण में आज ये महात्मा गांधी आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। मुझे याद है कि करीब 20 साल पहले हम लोगों ने योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, जिसमें कोई लिमिट नहीं थी इलाज के लिए कितना खर्च होगा, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो। एक अभिनव प्रयोग किया था राजस्थान में और बहुत ही कामयाब रहा। लगातार उसके बाद में राजस्थान, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और पूरा भूभाग देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये देश के अंदर जब से छत्तीसगढ़ अलग बना है मध्य प्रदेश से उसके बाद में, पर भूभाग करीब 10% है, हालांकि पानी 1% के आसपास है। समस्या कई तरह की आती है यहाँ पर और बीमारी भी कई तरह की होती है, रेगिस्तान में अलग तरह की और अन्य इलाकों में अलग तरह की। ये सोच के ध्यान दिया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे इम्प्रूव करें राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक पीएचसी और दूसरी पीएचसी के बीच में या सीएचसी के बीच में या सब सेंटर के बीच में बहुत ज़्यादा किलोमीटर का फर्क हो सकता है, कोई 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इस प्रकार हालातों में कैसे हम इम्प्रूवमेंट करें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, ये एक केंद्र में बिंदु रख करके सारे फैसले किए गए। उसका परिणाम आज हम लोग जहाँ से शुरू किया था मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा योजना के माध्यम से, आज हम लोग बाद में जब दूसरी बार हम लोग सरकार में आए थे, तब हम लोगों ने, जब मेरे गुस्सा वाली कह रहे थे कि हम लोगों ने फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें शुरू करी, और इस बार हम लोगों ने सबसे बड़ी जो आज की जो प्रोग्राम करने का मकसद था, यही था कि एक प्रयास किया गया, एक अभिनव प्रयोग का, कि हम लोग पहले भामाशाह योजना चलती थी यहाँ पर 3 लाख वाली, और आयुष्मान भारत की योजना भारत सरकार की थी। हम लोगों ने दोनों को मर्ज किया है, मर्ज करके उसको बढ़ा दिया है कि उसका दायरा बढ़ा दिया है, एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसके कारण से चाहे भार हमारे पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैन में बात रही कि हम लोग जब 20 साल पहले शुरू कर चुके हैं जीवन रक्षा कोर्स के माध्यम से, फिर फ्री मेडिसिन, फ्री जाँचें, जिसका भी आंकड़े दिए गए कुछ समझ द्वारा आपको, कितनी बड़ी लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को राहत मिला। और मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के नहीं, राजस्थान के बाहर के जो पड़ोसी राज्य, वहाँ के लोग भी आके इलाज करवाते हैं। अगर आप रात को जाएंगे रैन बसेरे के अंदर, तो आप पाएंगे आपको अधिकांश लोग मिलेंगे तो बिहार तक के लोग आते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं,
बिहारी पड़ोसी वहां के तो आते ही आते हैं, हरियाणा के पंजाब के भी आते हैं, पर लाखों करोड़ों लोगों को फायदा इसलिए मिला कि फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें यहाँ पर हो रही। और इसीलिए हमने इस बार इस स्कीम को इतना स्ट्रांग बनाया कि पूरी तरह आयुष्मान भारत और साथ में भामाशाह को मर्ज कर दिया, नाम लिखा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। इससे जो लगभग 1,750 करोड़ रुपए का पहले एस्टिमेट किया गया, फिर हम लोगों ने अभी हाल ही में फैसला किया है कि COVID-19 भी और डायलिसिस भी उसको भी इंक्लूड करके हम लोगों ने करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके अंदर। और जो मूल एस्टिमेट था 80% खर्चा जो है वो राज्य सरकार देगी, इसका मतलब करीब 1,400 करोड़ के करीब तो सरकार देगी राजस्थान सरकार, 400 करोड़ देगी भारत सरकार। वो हमने मंजूर किया, चाहे पैसा कम मिले राज्य का राज्य को तब भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा करके किस प्रकार योजना को स्ट्रांग बनाए जिससे कि अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और मुझे कहते हुए घर है कभी जो आपको बताया गया 1,10,000 परिवारों को 2-3 से ज़्यादा आबादी हो जाएगी उसको लाभ मिलेगा, कवर मिलेगा। और इसके डायलिसिस भी कर दिया, इंक्लूड कर दिया है और कोविड कर दिया है। एक ऐसी योजना बनाई गई है जिससे अधिकांश लोगों को लाभ मिले राजस्थान के अंदर। और इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा हुआ, क्राइटेरिया जो भारत सरकार का होता है उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है, एक बार शायद आपको मालूम होगा सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी सेंसस किया था यूपी गवर्नमेंट ने, वो आंकड़े बाद में बाहर आया नहीं थे। जातिगत एक सर्वे किया गया था, बाद में कई कारणों से हो सकता है कि उसको आउट नहीं किया गया। भारत सरकार का आधार वो है जिसके आधार पर वो आयुष्मान भारत चला रहे हैं, जिनकी संख्या कम है, यहाँ राजस्थान के लिए करीब 59 लाख संख्या थी 60 लाख के आसपास। और दूसरा है जो यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम थी और जो खाद्य सुरक्षा कानून बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, उसके अंतर्गत जो संख्या होती है वो करीब 90 लाख के आसपास थी। हम दोनों को जोड़ लिया हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले लोग और जो सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी सर्वे सेंसस, दोनों को जोड़ करके हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया है। क्योंकि इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसका लाभ पूरा गरीब को मिले, आम आदमी को मिले, ये सोच करके इसमें राइडर भी लगाए गए हैं कि इसके लिए एंटी फ्रॉड इकाई बनाई गई है। क्योंकि अस्पतालों में अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दें हम लोग, पिछली बार भामाशाह के वक्त में कई शिकायत आई थी, एक ही बीमारी के 10-10 ऑपरेशन हो रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर अस्पताल में होते हैं, तो हम चाहते हैं कोई इसमें फ्रॉड नहीं करे इसमें, क्योंकि 1,800 करोड़ के आसपास खर्चा होगा सरकार का, तो उसका कम से कम लाभ कैसे मिले लोगों को, ये सोच करके पूरी स्कीम को रूप दिया गया। एंटी फ्रॉड इकाई बनाई गई, छापा एजेंसी उसके अंदर होगी जो देखेगी थर्ड पार्टी के रूप में कि बीमा कंपनी जो बात कर रही है, अस्पताल बात कर रहा है, चाहे प्राइवेट अस्पताल भी होगा, तो उसके अंदर वास्तव में सही कौन बात कह रहा है, जिससे कि पूरी तरह स्कीम कामयाबी के साथ में पूरी हो सके। क्योंकि ऐसी स्कीमें जो बनती है तो इसमें इस प्रकार की चेकिंग होना बहुत आवश्यक है। मेरा अनुभव कहता है कि जब हम लोगों ने 9-10 के अंदर स्कीम लागू की थी फ्री मेडिसिन की और फ्री जांचों की, तब भी हमने स्टडी करवाई थी, ये जो आज स्कीम बीमा वाली आई है वो चलती थी आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ,
हमने हमारे अधिकारियों को भेजा वहां पर, मालूम करवाया, मालूम पड़ा कि इसमें कई जगह शिकायत आती है और जो प्रीमियम होता है उसका मिश्र होता है। इसीलिए उस वक्त हम लोगों ने इस योजना को, आंध्र प्रदेश को जो योजना थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी अपनी योजना लाए फ्री मेडिसिन की, फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें कर रहे, उसका भी अच्छा परिणाम रहा जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, जहाँ तक मैं सुनता हूँ। पर क्योंकि अभी ये भारताचार्य स्कीम भी आ गई थी, बामा साहब चल रहा था, तो हमने दोनों को मिला करके और बीमा योजना को लागू किया है। इसमें आप सब लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि ये योजना ऐसे लोग होते हैं, आम आदमी, जिसको मालूम ही नहीं पड़ता कोई ऐसी योजना भी हमारे लिए बनी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष था, उसमें मैंने अनुभव किया कि चाहे आप कितनी कोशिश कर लो तो बात पहुंचती नहीं गरीब तक। मुझे याद है 2003 में जब हम चुनाव चल रहे थे तो उसके पहले मैं कैंपेन में गया था, तो मैं पूछता वहाँ लोगों को, भाई आप बताइए आपको मालूम है इस योजना के बारे में, क्योंकि पूरा इलाज फ्री उस जमाने में होता था 20 साल पहले, और लिमिट नहीं थी 2 लाख 5 लाख कितने खर्च होंगे। मैं हाथ खड़े करवाता तो मालूम पड़ता, मैं हाथ गिनता फिर कि ये तो 50 हाथ 60 हाथ खड़े हुए। मैं कहता अगर आप बताइए, आप 2000 लोग बैठे हैं, अगर सबको मालूम होता तो कितने गरीबों को फायदा हो सकता था आपके गाँव में ढाने में। उस वाली बात है कि अगर आज आप मीडिया वाले बैठे हुए हैं, अगर इस योजना को आप पहुँचाएंगे घर घर तक अपने अपने रूप में, चाहे आर्टिकल लिखो चाहे न्यूज बनाए कुछ भी करें, तो कम से कम आम आदमी को जो कवर हुआ उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे को ये फैसिलिटीज मिल रही है। और 5 लाख रुपए तक का खर्च करना किसे कहते हैं, क्या स्थिति बनती है? प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग आते हैं, गरीब लोग गांव से, और कितना बड़ा बिल बनता है आप लोग सुनते होंगे, 5 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख पता नहीं कितने बनते। और उसको 5 लाख अगर सारा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पता नहीं वो गहने बेच करके लाए पैसे इलाज करवाने के लिए, चाहे बीमार माँ बाप भी है, बचने की उम्मीद नहीं है, तभी हमारे इतने शानदार संस्कार है देश के, हमारी संस्कृति शानदार, हमारी परंपराएं शानदार, उसके कारण से वो चाहे उसके पास कैपेसिटी नहीं है तब भी वो खर्च करेगा माँ बाप बचाने के लिए, ये भावना हमारे यहाँ पर है। तो आज अगर ये स्कीम घर घर पहुँचेगी तो मैं समझता हूँ इसका लाभ जो है बहुत बड़ा लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वास्थ्य सबके लिए सर्वोपरि है, स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना। गांधी जी ने तो उस जमाने में स्वास्थ्य पे जोर दिया था, उन्होंने यहाँ तक कहा था स्वास्थ्य पर, गांधी जी ने कहा कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है व्यक्ति की, छूना चाहिए नहीं है। उस जमाने में गांधी जी अगर स्वास्थ्य को लेकर इतनी जोर देते थे तो आप सोच सकते हो कि आज इतनी तरह की बीमारी हैं, अभी तो कोविड और आ गया, अभी तक उस समय ने बताया आपको किस प्रकार से मैनेजमेंट किया, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप सबको मालूम है कि हमने कसर नहीं छोड़ी। अभी भी जो वैक्सीन है उसमें भी 4-5 राज्यों में हम लोग सम्मिलित हैं, जहाँ पर अभी हेल्थ सेक्रेटरी को हमने भी कहा कि 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे अच्छा काम चल रहा है। तो इस प्रकार से मेडिकल साइड में मैं समझता हूँ राजस्थान में लगातार हम लोग नवाचार कर रहे हैं, आने वाले वक्त में और चाहेंगे कैसे मजबूत करें इस सिस्टम को, 2/3 से अधिक आबादी हो गई है और कैसे बढ़े इसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिससे कम से कम मेडिकल को लेके अभी जो बीराड़ा मॉडल हुआ था, ये भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बात की थी पहले, हमने नहीं कहा कभी, और वो मॉडल इतना पॉपुलर हुआ देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, मुल्कों के अंदर भी। आज राजस्थान की चर्चा होती है दुनिया के मुल्कों में, राजस्थान में कोविड मैनेजमेंट बहुत शानदार रहा, बीरोड़ा मॉडल की वहाँ स्थापना हुई। ऐसी स्थिति में WHO ने भी तारीफ करी है, वैक्सीन को लेकर भी किया अभी कि सबसे अच्छी व्यवस्था करी है देश के अंदर तो राजस्थान के अंदर है, जहाँ 5 पैरामीटर में राजस्थान ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया और कामयाब रहे हैं। इस प्रकार से योजना लागू हो रही है, आप सबके आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि ये कामयाब होगी और पहला सुख निरोगी काया,
ये भावना लेके हमने निर्विराटन का अभियान चालू किया था 19 में, जब हम सरकार में आए थे। तैयारी उसकी की थी हम लोगों ने कि यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, बीमार व्यक्ति नहीं पड़े, वो प्रयास कैसे करें, थीम तो हमारी ये थी असली। उसी रूप में हमने पूरी तैयारी कर रखी थी और गांव गांव में स्वास्थ्य मित्र करीब 40,000 बनाने थे, बन भी गए अब तो अधिकांश जगहों पर। ये हमारी योजना थी, पर कोविड आ गया, करीब करीब साल भर बनाया है, तो उसके लिए पूरी जो फोर्स लगी हुई थी, अभी डॉक्टर की बात बता रहे थे रघु शर्मा जी, पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे जो तैयारी की हुई थी निर्वी राजस्थान को लेके, वो सब काम आ गया, कोविड के मैनेजमेंट में काम आ गया। इस प्रकार से योजना पूरी तरह से शानदार तरीके चल रही है और मैं समझता हूँ कि राजस्थान ने जो नाम कमाया है कोविड के वक्त में, क्योंकि हमने और तमिलनाडु में दो स्टेट हैं देश के अंदर जहाँ पर सिर्फ RT-PCR टेस्ट हुए, वरना सभी राज्यों के अंदर दिल्ली सहित अधिकांश टेस्ट हो रहे हैं एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल बकवास टेस्ट है। चित्रपण आंकड़े उसमें गलत आते हैं, सरकार खुद मानती है, और चित्रपण आंकड़े गलत आते हैं उनको वापस टेस्ट करो, PCR टेस्ट करो, वो कोई करवाता नहीं। तो अपनी बात प्रधानमंत्री जी साहब ने भी और जब जब मौका लगा है भारत सरकार के सामने रखा है कि गलत काम किया आप लोगों ने, आपको चाहिए था कि आप RT-PCR टेस्ट करवाती, या फिर अगर आप लोग करवाना था एंटीजन टेस्ट तो कंपल्सरी करते जो करवाएगा और 70% नेगेटिव आएगा उसको ही वापस टेस्ट कराया जाएगा RT-PCR टेस्ट, तब जाके आप असली स्थिति पहुंच सकते थे। पर राजस्थान ने और तमिलनाडु ने पूरी 100% RT-PCR टेस्ट करवाए, हमारे यहाँ 0% थी टेस्ट की फैसिलिटी, उसको आज 70,000 तक हो गई पर डे, पहले 60-70 तक हो गई। तो सभी तरह से राजस्थान ने जो मैं समझता हूँ हेल्थ सुविधाओं में जो कामयाबी हासिल की है, और बड़े आपके सुझाव होंगे तो भी वेलकम, उसको भी प्रदेशवासी सब सुन रहे होंगे, सरपंच बैठे हुए स्पीसी के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान से जो सुझाव आएंगे हेल्थ को लेकर हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। हम चाहेंगे कि हेल्थ को लेकर राजस्थान ने जो नाम कमाया है कोरोना के वक्त में, जैसा नाम कमा वैसे ही काम करके दिखाएं आने वाले वक्त के अंदर भी। इसलिए और ज़्यादा जो जरूरत पड़ेगी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान कैसे निरोगी रहे, नंबर एक, राजस्थान कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी रहे, और नंबर तीन कि लोगों को सुविधा मिले, किस प्रकार उनका बजट नहीं गड़बड़ा जाए घर का, इस प्रकार की सोच के साथ हम इस स्कीम में लेके आए। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाबी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात कहता हुआ आप सबका बहुत आभारी है कि आप सब यहाँ पर आज आए हैं और हमारा ये भी शानदार चल रहा है वैक्सीन का भी, उसका भी आप थोड़ा प्रचार प्रसार भी करें कि वैक्सीन के कोई खतरे नहीं हैं। और मैं समझता हूँ थर्ड फेज शुरू हो रहा है आने वाले वक्त के अंदर सीनियर सिटीजन्स और कोमोबिड लोगों के लिए भी, और फिर थर्ड फेज शुरू होगा तो राजस्थान इसमें अव्वल करेगा, ये हम लोगों ने सब निश्चय किया है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात कहता हूँ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जिनको जानकारी मिले वो आगे से आगे प्रचार प्रसार करें, माउथ पब्लिसिटी के मायने होते हैं, उससे अगर गरीबों को भला हो सकता हो आम आदमी का, तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख का बीमा बहुत अच्छा बीमा है और काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है उसको। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हेल्थ मंत्रालय को, रघु शर्मा जी को, सुभाष गर्ग जी को, सिद्धार्थ को, वैभव गलेरिया को, तमाम इनके साथियों को, और फाइनेंस सेक्रेटरी बैठे हैं अखिल अरोड़ा जी, क्योंकि इनके बगैर काम चलेगा नहीं हमारा आगे भी, बजट के अंदर भी। हम चाहेंगे कि शानदार तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय आगे आने वाले वक्त में, मिश्र राजौरे बैठी हुई है, उनको भी सबको जिन्होंने इसमें पूरी रुचि लेके काम किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये योजना सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी कहीं पर देश के अंदर तो राजस्थान में होगी।
ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।